हेलो दोस्तों, मैं हूं अयाज। तो आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए हलीम की रेसिपी, जिसे हम दलीम भी बोलते हैं और खिचड़ा भी बोलते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं 7 केजी का हलीम। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। यहां पर मैंने एक बड़ा भगोना ले लिया है, जिसमें मैंने 35 लीटर पानी डाला है और मैं इसमें 6 चम्मच हल्दी डाल रहा हूँ, 4 बड़े चम्मच सूखा धनिया, 2 बड़े चम्मच नमक और 5 बड़े चम्मच लाल मिर्च। अभी हम मसाले का कम यूज़ कर रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर मसाले कम यूज़ क्यों कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने 150 ग्राम लहसुन और 2 बड़े प्याज का पेस्ट बना लिया है, इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं दोस्तों। मिक्स करने के बाद हम इसमें चना दाल और गेहूँ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चना दाल और 1 किलो गेहूँ। गेहूँ को मैंने अच्छे से वॉश करके पानी में 6 घंटे के लिए गला दिया था। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको करीब करीब 1 से 2 घंटे तक इसको ढककर पकाएंगे, जिससे हमारी चना दाल और हमारा गेहूँ अच्छे से पक जाए और हमें घोटने में आसानी हो। एक बार इसको खोल के चेक करते हैं, आप देख सकते हैं कि अच्छे से उबाला आने लगा है। अब इसको एक बार अच्छे से और मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको ढककर पकने देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2 घंटे से हमने चना दाल और गेहूं को पकने छोड़ दिया था। अब इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं कि हमारा चना दाल और गेहूं गला है कि नहीं गला है। दोस्तों, चना दाल हमारा लगभग लगभग गल चुका है और हमारा गेहूं भी गल चुका है। अब हम इसमें बाकी की जो भी दालें डालना है हमें, वो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 किलो मैंने चावल लिया है, 1 किलो हरी मूंग दाल है और 1 किलो मसूर दाल है। अब एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं दोस्तों। मिक्स करने के बाद हम इसको बिल्कुल सेम तरीके से ढककर पकाएंगे और करीब करीब 2 घंटे तक हमें इसको आराम से ढककर पकने देना है। तो दोस्तों, 2 घंटे पकने के बाद कुछ इस तरह से हमारा हलीम दिख रहा है। इसको एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं। तो दोस्तों, दालें तो हमारी सारी गल चुकी हैं। अब हम इसमें मटन कीमा ऐड करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कम मसाले क्यों इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि सारे मसाले मैं जब कीमा बना रहा था तब मैंने उसमें ऐड कर दिए। ज़्यादातर जो कीमा हम अपने घरों में बनाते हैं, आप चाहें तो उसको वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको इस कीमे की रेसिपी चाहिए हो तो मैं सेपरेट वीडियो उसका एक बना दूंगा। अब हम इसमें करीब 150 ग्राम अदरक डालेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था दोस्तों। एक बार अच्छे से मिक्स कर दें और इसको एक बार हम फिर से ढककर पकाएंगे करीब करीब 30 से 40 मिनट तक दोस्तों। तो 30 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं आप कि हमारा टेक्सचर कितना अच्छा आया है हलीम का। और अब दोस्तों, इस घूंटे से हम इसकी घुटाई करेंगे। तो करीब करीब हमें 30 से 40 मिनट तक हम इसकी अच्छे तरीके से घुटाई करते रहेंगे, कुछ इस तरह से जैसे मैं घुटाई कर रहा हूँ हलीम की। तो 30-40 मिनट घुटाई करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा टेक्सचर आ चुका है, फाइनल टेक्सचर जो है हमारा आ चुका है दोस्तों। और हमारा हलीम घुटके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं दोस्तों। ये करीब करीब 100 ग्राम गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। इसके बाद भुने हुए प्याज, दोस्तों हम इसमें देसी घी डालेंगे करीब करीब, ये 200 ग्राम देसी घी है। लास्ट में खूब सारा धनिया और नींबू निचोड़ के इसका जायका लें। इसी तरह से प्यारी प्यारी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय।